देखिए, आज हम लोगों को बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय से इंटरसेप्टर नई गाड़ियां मिली थी, उन गाड़ियों को हमने अपनी तरफ से जाब्ता डिप्लॉयड करके जो भी अजमेर से रिलेटेड हाईवेज है, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, जहां एक्सीडेंट की ज़्यादा डेथ्स हुई है एक्सीडेंट के कारण, उन हाईवेज पे हम लोगों ने तैनात किया है। अब तक हमारे पास केवल 2 इंटरसेप्टर गाड़ियाँ थी। ये इंटरसेप्टर भी पिछले 6-1 महीने पहले हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। अब पुलिस मुख्यालय ने नई 2 और गाड़ियाँ दी है। इसके माध्यम से टोटल 4 इंटरसेप्टर अब ज़िले में तैनात रहेंगे। इन इंटरसेप्टर के अलावा एक स्पीड गन, जो कि काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट है, वो भी पुलिस मुख्यालय ने अभी पिछले दिनों, आज से लगभग 15-20 दिन पहले, पुलिस मुख्यालय की तरफ से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये स्पीड गन शहर में हम लोग जो भी स्पीड से अधिक, जो निर्धारित स्पीड है उससे अधिक जो गति से लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोगों ने इसको तैनात किया है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद ये 4 इंटरसेप्टर प्लस स्पीड गन, इन सब की तैनातगी के बाद में उम्मीद करते हैं कि अजमेर में खासकर ओवर स्पीडिंग से जितने भी एक्सीडेंट में डेथ्स हो रही है उस पर निश्चित तौर पर लगाम लगेगी। और इस जो इंटरसेप्टर और स्पीड गन के माध्यम से एक्सीडेंट में जो डेथ्स हुई है उसमें भी हम लोग उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं अजमेर में कमी दिखाई देगी।